वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भले ही शुरू हो गया हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऑपरेशन वन था यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, अगर मशीन के जरिए खुदाई का प्लान था, उस योजना में कहीं कोई कमी आई है। हाँ, मुश्किल आई है अगर मशीन का ब्लेड, हैरो ब्लेड फंस गया मलबे में, उसे काट कर निकाला जा रहा है, 10 से ज्यादा कुछ मीटर और बाकी है। अगर प्लाज्मा ब्लेड सक्सेस होते हैं तो उस मलबे को काट कर निकाल लिया जाएगा और तब बारी आएगी मैनुअल ड्रिलिंग की। उस मैनुअल ड्रिलिंग के मुताबिक 5 लोगों की टीम ऑक्सीजन के साथ, गैस कटर, प्लाज्मा कटर, अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उस पतली स्केप टनल में जाएंगे, मलबे को काटेंगे, पत्थर को चीरेंगे, पहाड़ को चीरेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन मजदूरों को बचाया जा सके। समय लग सकता है, कठिनाइयां मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है।